कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राज्य मंत्री असीम अरुण पहुंचे और आशीर्वाद लिया। कार सेवकों पर गोली चलने पर शिवपाल के बयान पर असीम अरुण ने कहा कि यह बहुत दुखद बयान है, मैं पुलिस में रहा हूं, मुझे पता है अगर भीड़ होती है तो गोली चलाने से पहले भी बहुत विकल्प होते हैं, समझाया बुझाया जाता है, सीधे गोली चला देना कहीं ये किसी तरीके से सही नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि बहुत ही सम्मान और गौरव का विषय है कि आगामी 22 जनवरी हो हम सब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने जा रहे हैं। प्रवचन हो रहा है और श्री राम जी की कथा सुनने का आनंद पूरे इटावा को मिल रहा है। मुझको भी आज आमंत्रित किया गया, मुझको भी आने का सौभाग्य मिला। आज पूरा विश्व राममय हो चुका है। 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके उत्साह में, उसके उमंग में हम सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी राम भक्ति का इजहार कर रहे हैं। बहुत दुखद बयान है, मैं पुलिस में रहा हूँ, मुझे पता है अगर भीड़ होती है तो गोली चलाने से पहले भी बहुत सारे विकल्प होते हैं, समझाया बुझाया जाता है, बैरियर लगाया जाता है, वाटर कैनन होता है, टीयर गैस होता है, सीधे गोली चला देना ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं होता है।